नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है उसे संबंधित जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों होमगार्डों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 25,000 होमगार्डों को जवानों के रुके हुए ड्यूटी भत्ते का है आज भुगतान के निर्देश आपके जारी हो चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में दोस्तों होमगार्डों के वेतन में आपकी बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है और ये आपका बढ़ावा वेतन है अब मार्च मंथ से आने वाला है। यानी कौन कौन से राज्यों में दोस्तों आपके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी भी है, कौन से राज्य से आपकी होमगार्ड संबंधित क्या न्यूज आ रही है, सभी राज्यों की दोस्तों होमगार्ड संबंधित इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी छोटी छोटी खबर होती है लगातार उससे संबंधित जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से राज्य में होमगार्ड के तौर पर कार्य करते हैं, हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है, साथ ही आपकी क्या मांगे हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की जो भी खबर होगी हम अब तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। दोस्तों सभी राज्यों की होमगार्ड संबंधी न्यूज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हाल फिलहाल से आपका है, उत्तर प्रदेश से एक लेटर जारी हुआ है, ऑफिशियल दोस्तों लेटर है, वो 24 फरवरी को ये लेटर जारी किया है। भुगतान के आधार पर गृह विभाग के बजट में तैनात आपके 25,000 होमगार्ड सदस्यों को लंबी ड्यूटी भत्ते का भुगतान के संबंध में आपका ये लेटर जारी किया गया है और मार्च में आपका यानी आपका होली से पहले पहले सभी होमगार्ड भाइयों का है, यहाँ जो भी आपका बकाया पिछला वेतन है उसकी आपकी भरपाई साथ ही आपके अकाउंट में है, जल्द ही है वो आपकी सरकार से भेज दिए जाएंगे। अगली दोस्तों खबर देख लेते हैं। 25,000 होमगार्ड जोन का रुके ड्यूटी भत्ते का आज से भुगतान के निर्देश दे दिए गए हैं। अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले 25,000 होमगार्ड जोन के भत्ते का भुगतान लंबित होने के मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है। इसके बाद सभी जिलाधिकारी को शनिवार इस तक इस भत्ते भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने जिलाधिकारी को भेजे निर्देश में कहा कि गृह विभाग के स्तर में 25,000 होमगार्ड सदस्यों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी, इसका भुगतान गृह विभाग के बजट से आपके जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा किया जाता है, लेकिन जून जुलाई 2019 से भुगतान नहीं किया जा सका है। निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में अतिरिक्त ड्यूटी के जिस माह से होमगार्ड ड्यूटी भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है उस पर माह से आपके 30 जून 2019 तक मस्टर रोल का तत्काल फिर से प्रमाणीकरण कर आपका सापेक्ष ड्यूटी भत्ते का शनिवार 29 फरवरी तक है वो भुगतान कराया जाए। अगले दोस्तों ये आपका ऑफिशियल लेटर है, आदेश जारी किया गया होमगार्ड सदस्यों को टर्न आउट्स में आपकी गुणवत्तात्मक सुधार हेतु एकाएक आपके समस्त कंपनी अधिकारियों ड्यूटी इंचार्जों होमगार्ड कानपुर नगर के एकाएक आपके द्वारा यह निम्नलिखित निर्देश है वो जारी किए गए हैं। प्रतिदिन होमगार्ड की ड्यूटी पर आमद उपस्थिति के बाद उन्हें टर्न आउट को चेक किया जाए, जिसमें वर्दी साफ सुथरी नियमानुसार केप का धारण किया जाना, बेल्ट की चपरास बेज और केप का आपका ताज बारसो आदि सब साफ सफाई होना चाहिए, साथ निर्धारित जूते मोजा धारण करने के संबंध में चेकिंग सुनिश्चित है वो किया जाए। साथ ही होमगार्ड सदस्यों के प्रतिदिन दाढ़ी बने होने से तथा आपके बालों की कटिंग पर विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही सभी होमगार्डों को वर्दी पर नियमानुसार नेम प्लेट धारण किए जाने चाहिए और एस सीटी और डोरी वर्दी में है लगी होनी चाहिए। वही सभी होमगार्डों के पास अनिवार्य रूप से है परिचय पत्र है वो रक्षित होना चाहिए। अगली दोस्तों खबर देखते हैं। अगली खबर है आपके सभासंद में होमगार्ड ने बच्ची को पहुंचाया घर। तो ये बहुत ही आपका सराहनीय कदम है कि होमगार्ड भाई ने है यहाँ जो ननी बच्ची है गुम हो गई तो उसको है घर तक पहुँचाया है। अगली खबर है आपकी राजस्थान से आ रही है। जयपुर के 1200 होमगार्ड जवान आज हो जाएंगे बेरोजगार। तो ये बहुत ही आपकी गलत आपके लिए है कि यहाँ 1200 होमगार्डों को है आज है ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। जयपुर कमिश्नरेट में है रात्रि गश्त और यातायात व्यवस्था के लिए तैनात किए गए 1200 होमगार्ड साल भर में कहीं भी आपके 6 से कहीं 4 माह की मिलता है काम और 90 विधायक और सांसद लिख चुके हैं पत्र की होमगार्डों को लगातार है ड्यूटी दी जाए, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए, उनके वेतन में है कुछ हद तक आपकी बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की आपके सभी राज्यों की होमगार्ड संबंधी न्यूज। लगातार दोस्तों जो भी होमगार्ड संबंधी न्यूज होती है लगातार हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।